Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Nuzhat Sana और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th of September के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ये कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ई श्रम पोर्टल देखेंगे किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है और किस वजह से न्यूज में आया है. फिर देखेंगे नीतीश कुमार क्यों न्यूज में आए हैं रिगार्डिंग पेरिस पैरालंपिक्स, कौन सा इन्होंने मेडल जीता, किस स्पोर्ट्स में जीता है एंड एटसेट्रा. एक्सरसाइज वरना देखेंगे कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है. फिड्यूरेंट कप के बारे में बात करेंगे. फिर वेन्यू देखेंगे वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप की. फिर इसके अलावा सेमी कंडक्टर यूनिट देखेंगे कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है हाल ही में. सौरा ट्राइब के बारे में बात करेंगे कुछ कि ये ट्राइब कहाँ पे रहती है. और फिर लास्ट में हम देखेंगे ग्रोम इवन मिसाइल किस कंट्री की है. ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू है जिनको हम कवर करेंगे इस सेशन में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ई श्रम पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री. हाल ही में खबरों में रहा ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था ई श्रम पोर्टल को 2021 में. और न्यूज में अभी किस वजह से आया है, क्योंकि सिर्फ 3 सालों के लॉन्च के बाद 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं ऑन द ई श्रम पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि बहुत तेजी के साथ इसको अडॉप्ट किया गया है. इस पोर्टल का पर्पज क्या है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, और इनको इस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कराया जाएगा. ये इंटीग्रेशन बेसिकली हाईलाइट हुआ है 2024 से 25 के बजट स्पीच में, जिससे कि एक्सेस इंप्रूव हो सके टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. और ई श्रम पोर्टल सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के फेवर में काम करेगा कि वो सारे वर्कर्स को स्कीम्स की एक्सेस मिलेंगी, लाइक PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, फिर PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अलावा आयुष्मान भारत, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका वो बेनिफिट उठाएंगे. ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कराया जाएगा विद द स्किल इंडिया डिजिटल हब, ताकि सर्विस एक्सेसिबिलिटी को फर्दर इन्हांस किया जाए. ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल ऑल्दो लॉन्च हुआ था 2021 में, लेकिन न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर अब तक इस पोर्टल पे 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं. ठीक है, याद रखिएगा ई श्रम पोर्टल किस मिनिस्ट्री का है. योर आंसर इज बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. सबसे पहले, ऑफिशियली इसको कब लॉन्च किया गया था, तो आप ये डेट इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ ईयर याद रखिएगा 2021 में. ठीक है, कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जिनको कि रजिस्टर किया गया है ई श्रम पे विद इन 3 ईयर्स ऑफ इट्स लॉन्च, तो दिस नंबर इज ओवर 30 करोड़. ठीक है, कौन सा एक इनिशिएटिव है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है और इसको लिंक कराया गया है विद ई श्रम पोर्टल, दिस इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें स्किल इंडिया डिजिटल हब की, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्किल इंडिया डिजिटल हब ऑपरेट होती है, तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. कब इसको लॉन्च किया गया था, योर आंसर इज 2015. और कौन सी स्कीम है जिसका मेन पर्पज है इंडियंस को ट्रेन करना, तो आंसर इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ठीक है, इसके अलावा अब हम अगर बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो किस तरह की इंश्योरेंस दी जाती है अंडर दिस योजना, तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस दी जाती है. ठीक है, एनुअल प्रीमियम कितनी है इस योजना की, 330 रुपीज पर एनम. और अप टू व्हाट एज कैन अ पर्सन एनरोल, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 50 साल. ठीक है, इसके ऊपर अगर आप हैं तो आप इसमें एनरोल नहीं करवा सकते हैं खुद को. फिर नेक्स्ट हम योजना देखते हैं एक और, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, तो इसके अंडर में किस तरह की इंश्योरेंस दी जाती है, तो ये एक तरह की एक्सीडेंटल डेथ और डिसएबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. एनुअल प्रीमियम इसका कितना है, तो इसका है 12 रुपीज पर एनम. और इसके अंडर में मैक्सिमम पेबल बेनिफिट कितना दिया जाता है फॉर एक्सीडेंटल डेथ, सो दिस इज अमाउंट इज 2 लाख रुपीज. ओके, ये कुछ स्कीम्स हैं जिनके बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार वन द गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स. नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, बैडमिंटन. नीतीश कुमार ने इंडिया का सेकेंड गोल्ड मेडल जीत लिया है एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स इन द मेन्स सिंगल्स बैडमिंटन SL3 क्लास. ठीक है, और इसके पहले किसने जीता था, इसके पहले अवनी लेखारा ने जीता था
पहला गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर्स एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट, जिसके बारे में हम अपने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो 17 समर पैरालंपिक्स है, कहाँ पे हो रहा है? पेरिस फ्रांस में हो रहा है। कब से कब तक? 28th ऑफ अगस्त को शुरू हुआ था, 8th ऑफ सितंबर तक होगा। नितेश की फिलहाल एज है 29 इयर्स और ये फिलहाल वर्ल्ड नंबर वन है। इन्होंने डिफीट किया है डेनियल बेथल को, ठीक है। डेनियल बेथल जो है ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और एक बहुत क्लोज मैच हुआ था दोनों के बीच में। नितेश जो है, नितेश कुमार, इन्होंने अपने पैर खो दिए थे इन अ ट्रेन एक्सीडेंट इन 2009 और ये बहुत इंस्पायर्ड हुए थे प्रमोद भगत से टू प्ले बैडमिंटन इन द SL3 क्लास, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नितेश कुमार ने इंडिया के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड हैं? तो आंसर इज बैडमिंटन, ठीक है। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? सो दैट वॉज अवनी लेखारा। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था इन द वुमेन्स 10 मीटर्स एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट, ओके। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बैडमिंटन की बात करें तो हु इज द ओनली प्लेयर टू हैव वन टू ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन बैडमिंटन सिंगल? बैडमिंटन सिंगल में इकलौते ऐसे प्लेयर कौन है जिन्होंने दो ओलंपिक मेडल्स जीता था? तो ये है लिन डियान, ओके। फिर इसके अलावा कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा थॉमस कप जीते हैं? तो दिस इज द कंट्री इंडोनेशिया। और पैरालंपिक्स की बात करें तो पैरालंपिक गेम ऑफिशियली कब स्टार्ट हुए थे? तो ऑफिशियली ये 1960 में स्टार्ट हो गए थे। और अग्नि लेखारा की बात अगर हम करें तो कौन सा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको दिया गया था 2022 में? तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज वरुणा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, फ्रांस। 2024 का जो एडिशन है इंडो फ्रेंच बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा, ये कंडक्ट हुआ है मेडिटेरेनियन सी में। कब से कब तक? 2nd से लेकर 4th ऑफ सितंबर तक, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व थे एडवांस्ड टैक्टिकल एक्सरसाइजेस। इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट लैंड करने गई थी एट एयरबेस 125 इन फ्रांस फॉर इट्स फर्स्ट एवर यूरोपियन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। यानी कि सिंपली आप याद रख सकते हैं कि इंडिया की तरफ से P-8I एयरक्राफ्ट हमारी गई थी पार्टिसिपेट करने और ये 22nd एडिशन था एक्सरसाइज वरुणा का, ठीक है। लास्ट टाइम एक इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट फ्लो हुआ था फ्रांस में लगभग 63 इयर्स एगो, ओके। और ये जो इंडिया नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज, ये 1993 में स्टार्ट हो गई थी और बाद में 2001 में इसका फाइनल नेम पड़ा था जो कि है वरुणा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। तो आपसे यहाँ पे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज वरुणा कौन से दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है? तो योर आंसर इज इंडिया एंड फ्रांस। और अगर आपसे वेन्यू पूछा जाए कि इस साल की जो एडिशन था वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, तो याद रखिएगा फ्रांस में, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज वरुणा को पहली बार कब नेम दिया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1993 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी लेकिन ऑफिशियली इसको नाम दिया गया था 2001 में, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस साल के एक्सरसाइज वरुणा का? तो एडवांस्ड टैक्टिकल एक्सरसाइजेस। और कौन सी ब्रांच है इंडियन मिलिट्री की जो पार्टिसिपेट करती है एक्सरसाइज वरुणा में? सो दिस इज इंडियन नेवी, ओके। इट इज नॉट इंडियन एयरफोर्स, इट इज नॉट इंडियन कोस्ट गार्ड, इट इज नॉट इंडियन आर्मी, इट इज द इंडियन नेवी, फाइन। इंडियन नेवी के अगर हम P-8I एयरक्राफ्ट के कुछ फीचर्स की बात करें तो कौन सी कंट्री है जिसने मैन्युफैक्चर किया है इस एयरक्राफ्ट को और फिर इंडियन नेवी अब इसको यूज करती है? तो ये हमने परचेज किया है US से, ठीक है। इनका रोल क्या है इन तरह के एयरक्राफ्ट का? तो मल्टी मिशन मैरिटाइम पेट्रोल इनका रोल होता है, प्राइमरी रोल बेसिकली। और पहली बार इंडियन नेवी ने कब कमीशन किया था अपना पहला P-8I एयरक्राफ्ट? तो 2013 में, ठीक है। फिर INS विक्रांत की यहाँ पे बात करें अगर हम, तो ओरिजिनली INS विक्रांत कब कमीशन हुआ था इंडियन नेवी में? सो दिस इज द ईयर 1961, ओके। कौन सा एक एयरक्राफ्ट है जो ऑपरेट होता है फ्रॉम INS विक्रांत इन अर्लियस्ट? दिस इज हॉकर सी, हॉक एलाइजे, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरंट कप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हाल ही में समाचारों में रहा ड्यूरंट कप किस खेल से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, फुटबॉल। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीत लिया है अपना पहला ड्यूरंट कप, किसको हरा के? मोहन बगान सुपर जायंट को हरा के बाय 4-3 इन अ पेनाल्टी शूट आउट। और इनका फाइनल कंडक्ट हुआ था एट विवेकानंद युवा भारती कारीरंगन इन कोलकाता। कब हुआ था? 31st ऑफ अगस्त 2024, ठीक है।
तो ये 133 एडिशन था ड्यूरेंट कप का और ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि कोलकाता में खेला गया है और ना सिर्फ कोलकाता में बल्कि कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में भी खेला गया है फ्रॉम 27 जुलाई टू 31 अगस्त 2024। ठीक है, तो मोहन बगान के पास अब तक 17 टाइटल्स हैं ड्यूरेंट कप्स के और इन्होंने इस साल ये चांस खो दिया और ये टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाए। मोहन बगान ने पहले लीड ली थी विद 2 फर्स्ट हाफ गोल्स लेकिन बाद में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इक्वलाइज कर दिया विद 2 सेकेंड हाफ गोल्स और फिर फाइनली इनका पेनल्टी शूट आउट हुआ जहां पे ये जीत गए। ठीक है, तो ड्यूरेंट कप एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये जो 2024 का एडिशन है जैसे कि मैंने आपको बताया ये 133 नंबर का एडिशन है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो कि बेस्ड है गुवाहाटी असम से, ये इकलौता ऐसा क्लब है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन द इंडियन सुपर लीग। ठीक है, तो ड्यूरेंट कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, फुटबॉल से। किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने किसको हरा के जीता है, तो इन्होंने हराया है मोहन बगान सुपर जायंट को। ठीक है, बस इतना काफी है याद रखने के लिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ओनर कौन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के, तो ये हैं जॉन अब्राहम। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को कब एस्टैब्लिश किया गया था, इसको 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड, हाल ही में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 कहां पर आयोजित की गई। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, हैनोवर इन जर्मनी। ठीक है, इंडिया के शूटर धनुष श्रीकांत ने यहां पे 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं इस चैंपियनशिप में, इसी वजह से ये चैंपियनशिप न्यूज में आ गई थी और वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप कंडक्ट हुई है हैनोवर जर्मनी में। ठीक है, ये चैंपियनशिप कौन ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ और ये कब से कब तक हो रही है, 29th ऑफ अगस्त को स्टार्ट हुई थी, 8th ऑफ सितंबर तक हो रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप के लिए वेन्यू है जर्मनी। किस वजह से न्यूज में आए, क्योंकि इंडिया के शूटर धनुष श्रीकांत ने यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल्स इंडिया के लिए जीते हैं। फाइन, कुछ फैक्ट्स अगर हम देखें तो कौन से साल में वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी पहली बार, सो दिस इज 1991। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप, दिस इज ICSD, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन से साल में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 1924 में और इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है लॉजान इन द कंट्री स्विट्जरलैंड। ठीक है, धनुष श्रीकांत के बारे में कुछ और फैक्ट्स अगर हम देखें तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि धनुष श्रीकांत किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो ये शूटिंग में दिलचस्पी रखते हैं, शूटिंग से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, और इंडिया के कौन से स्टेट को ये बिलोंग करते हैं, योर आंसर इज तेलंगाना, तेलंगाना से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहला इंटरनेशनल मेडल इन्होंने कब जीता था, तो 2019 में। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली विच सिटी इन गुजरात हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट, हाल ही में गुजरात के किस शहर को नई सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना के लिए चुना गया है। द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, सनत। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है केएनएस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को टू सेटअप अ सेमीकंडक्टर यूनिट, कहां पे, इन सनंद, इन द स्टेट ऑफ गुजरात और ये हो रहा है अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, तो ये 5th सेमीकंडक्टर यूनिट है जो कि अप्रूव हुई है अंडर दिस मिशन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है विद इन द डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। पर्पज यहां पे क्या है, इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम। ठीक है, तो ISM के पास फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स हैं, साथ ही इनके पास एडवाइजरी बोर्ड है ग्लोबल सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट्स का। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, कितने बजट के साथ, तो आंसर है 76,000 करोड़ रुपीज बजट के साथ और ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये बेसिकली सपोर्ट करेगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को, इसकी पैकेजिंग को और कुछ डिजाइन इनिशिएटिव्स को। ठीक है, तो हाल ही में सनंद गुजरात को सिलेक्ट किया गया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू एंड द 5th सेमीकंडक्टर यूनिट अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कब इसको लॉन्च किया गया था, तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2015 में। कौन सी मिनिस्ट्री है जो देखती है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का मेन पर्पज क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT इंडस्ट्री है उनका प्रमोशन और साथ ही उनका डेवलपमेंट। और इनको ऑफिशियली कब एस्टैब्लिश किया गया था, 2016 में। ठीक है, सनंद की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक बहुत फेमस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मौजूद है, इनका प्लांट है यहाँ पे टाटा मोटर्स। ठीक है, और सनंद किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है गुजरात में, तो आंसर इज अहमदाबाद। और कौन से एक रिवर है जो लोकेटेड है इसके पास, आंसर है साबरमती रिवर। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7,
सावरा ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरली रिसाइड्स इन विच इंडियन स्टेट. हाल ही में समाचारों में रही सावरा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है. द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन ओडिशा. ठीक है, किस वजह से न्यूज में आई है, क्योंकि ओडिशा ने हाल ही में ग्रांट कर दिए हैं हैबिटेट राइट टू द सावरा ट्राइबल्स इन गजपति डिस्ट्रिक्ट. इसी के साथ ये पहला स्टेट बन चुका है जिसने सबसे ज्यादा हैबिटेट राइट्स दिए हुए हैं फॉर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मीन्स पीवीटीडीज. ठीक है, तो सावरा ट्राइब वन ऑफ द ओडिशाज एंशियंट ट्राइब्स है और इसका जो मेंशन है वो रामायण और महाभारत में भी आपको मिल जाएगा. इनको आप डिफरेंट नामों से जानते हैं, जैसे कि ये सावराज के नाम से जाने जाते हैं, सबराज, सौरा एंड सोरा. और ओडिशा के अलावा ये कौन कौन से फर्दर स्टेट्स में रहते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और असम जैसे स्टेट्स में भी रहते हैं. ये बेसिकली यूज करते हैं सौरा लैंग्वेज को, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में. और सौरा लैंग्वेज एक मुंडा लैंग्वेज है और एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है सोरांग सोपेंग. ठीक है, तो ये इस स्क्रिप्ट का भी यूज करते हैं. तो सौराज बेसिकली प्रो ऑस्ट्रोलॉइड फीचर्स के होते हैं. इनका कॉम्प्लेक्स रिलीजन है जहां पे बहुत सारे गॉड्स की पूजा की जाती है और इनका यूनिक आर्ट और टैडू ट्रेडिशन है. इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो ये डिवाइडेड हैं इनटू प्लेन सौराज, यानी कि कुछ इसमें से एग्रीकल्चर और वेज वर्क करते हैं, और दूसरे हो गए हिल सौराज जो कि शिफ्टिंग और टेरिस्ट कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो सौरा ट्राइब प्राइमरली रहती है ओडिशा स्टेट में. न्यूज में क्यों आई, क्योंकि ओडिशा ने ग्रांट कर दिए हैं अपने हैबिटेट राइट्स इन ट्राइब को. इसी के साथ ओडिशा ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने सबसे ज्यादा हैबिटेट राइट्स दिए हुए हैं अपने यहाँ पे पीवीटीजीज को. ठीक है, सौरा ट्राइब की बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी एक हिस्टोरिकल एपिक है जिसमें इनको मेंशन किया गया है, तो आंसर है रामायण एंड महाभारत. ठीक है, और कौन सी एक स्क्रिप्ट है जिसको ये यूज करते हैं, तो ये है सोरांग सोमपेंग स्क्रिप्ट. ओके, ओडिशा स्टेट के बारे में कुछ फैक्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ की कैपिटल सिटी कौन सी है, सब जानते हैं, भुवनेश्वर. कौन सा एक टेम्पल है जो लोकेटेड है नियर ओडिशा और इन ओडिशा, दिस इज द जगन्नाथ टेम्पल, इट इज वेरी वेरी फेमस. एक कौन सा डांस फॉर्म है जो यहाँ पे प्रैक्टिस होता है, इट इज द ओडिशी डांस फॉर्म. ओके, फिर इसके अलावा कौन सी एक एशियन कंट्री है जो जानी जाती है अपने यहाँ के टेरेस्ट राइस फील्ड्स के लिए, सो दिस इज द कंट्री फिलीपींस. मेन पर्पज क्या होता है टेरेस्ट कल्टिवेशन का, सोइल इरोजन को कंट्रोल करना और एफिशियंट तरीके से वाटर को यूज करना. कौन सी एंशियंट सिविलाइजेशन है जो कि एक्सटेंसिव तरीके से प्रैक्टिस करते हैं टेरेस्ट फार्मिंग को, सो दिस इज द इनका सिविलाइजेशन. ओके, इनका सिविलाइजेशन बेसिकली यूज करते हैं टेरेस्ट फार्मिंग को, और इससे होता क्या है, जो एरेबल लैंड है वो मैक्सिमाइज हो जाता है और सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह इसमें एम्प्लॉय किए जाते हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली वेयर वॉज द इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2024 इनोग्रेटेड. हाल ही में भारत जैव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया. करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन न्यू दिल्ली. यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2024 को. कहाँ पे, नई दिल्ली में. कब किया है, 2nd of September को. ये एक्सपो हुआ है 2nd to 4th of September तक, जहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं टू द कंपनीज इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द बायो एनर्जी इंडस्ट्री और अपने बायो एनर्जी प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए इंडिया के अंदर. इसके अलावा इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी अलॉन्ग विथ MMACTIV कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने ऑर्गेनाइज किया था इस एक्सपो को. ये एक्सपो प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्कशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ बायो एनर्जी टेक्नोलॉजीज. पर्पज यहाँ पे क्या है, इंडिया के ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना बाय इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर्स एंड एक्सपर्ट. ओके, तो आपको याद रखना है कि इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2024 को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया. योर आंसर इज न्यू दिल्ली. बायो एनर्जी की यहाँ पे कुछ बात करें, अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो कौन सा बायोमास मटेरियल है जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फॉर बायो एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एथेनॉल, दिस इज शुगर केन. ओके, कौन सा एक प्राइमरी केमिकल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर को आप कन्वर्ट करते हैं टू बायो एनर्जी, दिस इज द एनएरोबिक डाइजेशन. ठीक है, कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बायोगैस के मामले में एज ऑफ 2023, दिस इज द कंट्री जर्मनी. यहाँ पे हमने डिस्कस किया इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के बारे में, और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, 2009 में, और कौन सा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इनका जिसका पर्पज है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना इंडिया के अंदर, दिस इज द ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ग्रोम इवन मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. हाल ही में खबरों में रही ग्रोम इवन मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है. करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन रशिया. रशिया ट्रूप्स ने हाल ही में यूज किया है ग्रोम इवन हाइब्रिड मिसाइल का, और किस कंट्री के ऊपर यूज किया, तो ऑब्वियसली इनकी जो वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ उसमें इन्होंने यूज किया है.
तो ग्रूम इवन जो मिसाइल है ये मॉडर्नाइज्ड वेपन है बेस्ड ऑन द सोवियत एरा KH-38 मिसाइल और इसको डेवलप किया है रशिया ने. पहली बार इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था 2018 में. ग्रूम इवन में डिफरेंट फीचर्स को कंबाइन किया गया है मिसाइल और एरियल बॉम्ब के. इसकी मैक्सिमम रेंज है लगभग 120 किलोमीटर्स और इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड मौजूद है, साथ ही एक कॉन्टैक्ट डिटोनेटर भी है. तो जिसकी इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है एल्टीट्यूड और स्पीड के ऊपर लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट के. और आप इसको लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम रशियन एयरक्राफ्ट लाइक MiG-35, SU-34, SU-35 एंड SU-57. ठीक है, सिंपली हमें याद रखना है कि ग्रूम इवन मिसाइल किस कंट्री ने डेवलप की, रशिया ने, और किसके अगेंस्ट उन्होंने यूज किया है, तो आंसर है यूक्रेन कंट्री के. ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपसे क्या पूछे जा सकते हैं. सबसे पहले कि इस मिसाइल को कब इंट्रोड्यूस कराया था रशिया ने, 2018 में. इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, तो आपको याद रखना है 120 किलोमीटर्स. कौन से रशियन एयरक्राफ्ट हैं जो लॉन्च कर सकते हैं इस मिसाइल को, सो दिस इज MiG-35, SU-34, SU-35 एंड SU-57. ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात की थी सोवियत एरा के KH-38 मिसाइल की, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स अगर हम देखें तो कौन से कंट्री ने सिंपली इसको डेवलप किया था, तो योर आंसर हियर इज सोवियत यूनियन. ठीक है, ओके. MiG-35 एयरक्राफ्ट की बात करें तो कौन सी कंट्री ने मैन्युफैक्चर किया था MiG-35 एयरक्राफ्ट को, दिस इज द कंट्री रशिया. और इसके लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, 2400 किलोमीटर पर आर, यानी कि Mach 2.25. कौन से साल में इसने अपनी पहली फ्लाइट टेक ऑफ की थी, दिस इज द ईयर 2007. ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन. रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फास्ट चार्जिंग बस, ई बस नेम्ड एज वीर महासम्राट लॉन्च. हाल ही में विश्व की पहली फास्ट चार्जिंग ई बस वीरा महासम्राट कहां पर लॉन्च की गई. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, बेंगलुरु सिटी. दुनिया की फर्स्ट फास्ट चार्जिंग ई बस है ये, जिसका नाम है वीरा महासम्राट. इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में बाय द वीर वाहना एंड एक्सपोनेंट एनर्जी. इस बस का पर्पस क्या है, ट्रेवल को इम्प्रूव करना, रेंज एंग्जाइटी को कम करके विद इट्स फास्ट चार्जिंग. और ये ऑपरेट होगी ऑन द बेंगलुरु हैदराबाद रूट. चार चार्जिंग स्टेशन सेटअप होंगे अलोंग दिस रूट टू सपोर्ट दिस ई बस. ओके, तो इसका जो ये लॉन्च है एक मेजर स्टेप साबित होगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने में इन दिस रीजन. ओके, तो दुनिया की पहली फास्ट चार्जिंग ई बस जिसका नाम है वीर महासम्राट, ये कहां पे लॉन्च की गई, आंसर है बेंगलुरु सिटी. ओके, कौन सी एक सिटी है जिसने कि इंट्रोड्यूस कराया था दुनिया की फर्स्ट फास्ट चार्जिंग ई बस, सो दिस इज द गोथेनबर्ग इन द कंट्री स्वीडन. ओके, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देखें तो कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसका एम है फॉसिल फ्यूल कार्स को बैन करना बाय द एंड ऑफ 2030, दिस इज द कंट्री नॉर्वे. ओके, एंड प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को यूज करने का इन द बसेस, तो इससे जीरो एमिशन होता है. और इसके अलावा कौन सी एक कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशंस इन द यूएस, दिस इज द चार्ज पॉइंट. ओके, चार्ज पॉइंट कंपनी, इनके लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा चार्जिंग पोर्ट्स हैं इन अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप. फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आज के. आई होप कि आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे. चलिए फिर अब हम रिविजन वाले सेशन की तरफ चलते हैं अपने, जिसमें आज के जो तीन टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं उसमें से पहला रहेगा बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग के कुछ करंट अफेयर्स, सेकंड पे हम देखेंगे कुछ डिफेंस की न्यूज, और थर्ड पे हम बात करेंगे कुछ रिपोर्ट्स की. ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स की तरफ. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विन इंस्टीट्यूट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू हाई यील्डिंग वीट सीड वेराइटी HD-3386. इसको किस इंस्टीट्यूट ने हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया, आंसर है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. Recently, which payment bank signed a memorandum of understanding with Hindustan Zinc Limited to enhance the financial inclusion in rural Rajasthan? ये bank है Indian Post Payments Bank. Recently, Telangana collaborated with which organization to establish the center for the fourth industrial revolution? Telangana ने collaborate किया है World Economic Forum के साथ to establish the center for the fourth industrial revolution. The next is EV उपयोग पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट गवर्नमेंट. ये पोर्टल रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से. वट इज इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2023-24 एज पर द RBI's December 2023 मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग. इस मीटिंग के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन रही 7%. द टर्म स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड दैट वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज रिलेटेड टू विच सेक्टर. ये सेक्टर ये रिलेटेड है रियल स्टेट के साथ. Ministry of External Affairs recently signed a memorandum of understanding with which bank for digital payment services on the e-migrate portal. The correct answer here is State Bank of India. Okay. Second, हम चलते हैं कुछ defence current affairs की तरफ और देखेंगे कुछ important news defence related. Umlingla Pass is located in which state or the union territory? Umlingla Pass related है लद्दाख से, ये lie करता है लद्दाख में.
LSAM 19 Yard 129 is launched by which armed forces? Yard 129 को लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने. What kind of missile is Iris T missile recently seen in the news? ये किस तरह की मिसाइल है? ये एक एयर टू एयर मिसाइल है. एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में होती है एक्सरसाइज? इंडिया और मलेशिया के बीच में. वट इज वी शोराट्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीज है? ये बेसिकली एक तरह की मैनपोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है. वट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन कोस्ट गार्ड? ये क्वेश्चन अभी दो तीन दिन पहले हमने कवर किया था और यहाँ पे करेक्ट आंसर है समुद्र प्रताप. INS Jatayu which has recently been in the news is the Indian naval base located in which region? Answer is Lakshadweep. Okay. Third position पे हम देखेंगे कुछ reports and indices. First है यहाँ पे which organization recently released the Global Food Policy Report 2024? ये report जारी करी है International Food Policy Research Institute ने. What is the rank of India in the Global Intellectual Property Index 2024? इसमें India की rank थी 42. Okay. रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी थी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने. जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है वर्ल्ड बैंक. रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल? ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को. विच कंपनी इज एसोसिएटेड विद द एक्सेलरेटिंग इंडियाज पोटेंशियल टू एड्रेस द ग्लोबल एक्सआर अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी थी मेटा ने. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक थी 129. ठीक है, आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे शफल्ड फॉर्मेट में रखे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी शफल्ड फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे, किसी पर्टिकुलर मंथ से नहीं उठाए जाएंगे. तो यहाँ पे हमारा पर्पज रहता है रिविजन कराना कम टाइम में, और इसीलिए हम लोग इस तरह से डेली तीन टॉपिक्स कवर करते हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेशन को मैं वाइंड अप करती हूँ विथ होमवर्क क्विज. और यहाँ पे आज के जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ध्यान से आपको पढ़ने हैं और इनका जवाब आपको एक एक करके कमेंट्स में मेंशन करना है. मैं एक बार फिर से आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जितना हो सके इस क्विज में पार्टिसिपेट किया करिए, इससे जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो काफी बढ़ जाएगी. ठीक है, चलिए फिर हम लोग अब कल मिलेंगे. और बिफोर वाइंडिंग लेट मी टेल यू कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा है इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो आप में से कोई भी अगर इनका पीडीएफ फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मीनू हसना साइनिंग ऑफ.